धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया, पूरी हुई करा मात आप सिरजनहारे धारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाह अतोल तेरा अंत ना पारा वारिया। अटल अथाह अतोल तेरा अंत ना पारा वारिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की कृपा दे पात्र बड़भागी गुरमुख प्यारे, सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, जिन्हां उत्ते अकाल पुरख वाहेगुरु की अपार बख्शिश हुई। अकाल पुरख वाहेगुरु की बख्शिश दे नाल सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु रामदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी की दात बख्शिश की। गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई करते हैं। भाई सत्ता ते बलवंड जी अपनी वार के अंदर उच्चारण करते हैं, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी धन्नता दे योग हन, धन्नता दे पात्र हन। अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा दे नाल धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। जिन सिरिया भाव जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने सिरिया सिरजना की, पैदा किया, तिन सवारिया। उसे परमात्मा ने सिर्फ सिरिया ही नहीं है, संवारिया भी है। सिरजदा वो सब नू है, पर संवारदा किसे बड़भागी नू है। जिवें आसा दी वार दे अंदर सतगुरु जी दे बचन असी पढ़ते हैं, आपे भांडे साजियो आपे पूरण दे, इतनी दुध समाइया एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े, तिन्ना सवारे नानका जिन कहो नजर करे। तिन्ना सवारे नानका जिन कहो नजर करे, जिन्ना दे उत्ते नजर हुंदी है, कृपा हुंदी है, बख्शिश हुंदी है, उन्ना नू जिथे सिरजदा है उथे संवारदा भी है, संवारिया भी। इस तरीके सतगुरु सच्चे पातशाह जी नू अध्यात्मक शिखर दे उत्ते गुरु अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर त्यायो। गुरु रामदास सतगुरु गुरु रामदास पातशाह तय हर परम पद पायो, उन्हां नूं परम पदवी की अवस्था प्राप्त हुई। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा दे नाल, अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश दे नाल गुरु रामदास महाराज जिन्हां दा जदों असी मुढ़ला जीवन पढ़ते हैं, ते मुढ़ले जीवन के अंदर कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता, ये सोच भी नहीं सकता कि अकाल पुरख वाहिगुरु की एहो जी बख्शिश जड़ी होगी। सिर्फ 7 साल की उम्र चूना मंडी लाहौर के अंदर गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश है, और 7 साल की उम्र तक सिर के उत्तों माँ बाप का साया उठ गया। और जदों सिर के उत्तों माँ बाप का साया उठ गया ते कहण वालिया ने यही कहा कि यह भाई जेठा शायद कितना बदनसीब है, कितना अभागा है, इन्नी छोटी उम्रे जदों माँ बाप की जरूरत हुंदी है परवरिश वास्ते ये बच्चा अनाथ हो गया। पर देखो उस अकाल पुरख वाहिगुरु का जो हुक्म है, जो भी अकाल पुरख वाहिगुरु करता है, परमात्मा करता है, उसके मगर
उस अकाल पुरख वाहिगुरु की एक मिथी हुई योजना होंगी है, एक मिथिया होया कारज होंदा है। क्योंकि जदों भाई जेठा जी के सिर के उत्तों मां बाप का साया उठ गया ते नानी भाई जेठा जी नूं अपने पिंड बासर के लैके आई। हुण बासर के भाई जेठा जी के नानके भी हैं और बासर के पिंड गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का भी है। पिंड बासर के जिला अमृतसर जिथे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश सन 1479 के अंदर होया, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश 1534 के अंदर होया, गुरु अंगद देव महाराज जी का प्रकाश 1504 के अंदर होया। एक गल का होर ख्याल करना, देखो ये भी अकाल पुरख वाहिगुरु की ऐसी उस परमात्मा की कृपा है कि इस समय तक शरीर करके गुरु नानक जोत दे चार बार चार जामे जड़े ने इसे धरती के उत्ते प्रगट हो चुके हैं। गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह, गुरु अमरदास महाराज से गुरु रामदास। 7 साल की उम्र के अंदर नानी भाई जेठे नू अपने पिंड बासर के लैके आई। बासर के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पिंड है। इस थां दे उत्ते पहली बार गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भाई जेठे नू अपनी कुछड़ चुक के असीस दिती, मत्था चुमिया, प्यार किया। देखो जे भाई जेठा सारी जिंदगी लाहौर रहिंदे ते गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल मिलाप दा सबब किवें बणदा, पक्का टिकाणा बासर के किवें बणदा। इस करके अकाल पुरख वाहिगुरु जो करता है ना उस दे मगर परमात्मा की अपनी एक मिथी हुई योजना होंगी। कई बार असी किसी हालात नूं देख के बड़ी जल्दी जड़ा उहदे विच नैगेटिव विहार ले आने आ भी बहुत माड़ा है, गलत होया है, पर जिहड़ा बंदा रब दे उत्ते भरोसा रखता है उसनू इस गल का विश्वास है कि परमात्मा जो करता है अपने हुक्म अनुसार सही करता है। देखो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू असह ते अकह तसीहे दे करके शहीद किया गया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नू जदों जहांगीर ने अपने हुक्म नाल इन्ने तसीहे दे के शहीद किया, सिर दे उत्ते उबल दी रेता पाई, तत्ती तवी ते बिठाया, पानी विच उबालिया, जुलम दी हद कर दित्ती। उस वेले फिर देखो छेवें पातशाह ने, क्योंकि सरकमस्टांसिस इहो जिहे बन गए, हालात इहो जिहे बन गए, करना तां सब कुछ परमात्मा ने हुंदा है, पर परमात्मा अपने भाणे दे अंदर जो कुछ करता है वह अकाल पुरख वाहिगुरु की अपनी मिठी हुई योजना होंगी। जे गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सी भी मैं उस परमात्मा की रजा विच राजी हाँ, इहदा मतलब ही यह सी कि जो कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु कर रहा है इहदे विच ही चंगियाई है, इहदे विच ही भला है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद फिर हालात ही ऐसे बन गए कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी ते पीरी इकट्ठी की, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की। इस तरीके परमात्मा कई बार जो हालात बनाउंदा है उन्हां हालातां दे अंदर भी पॉजिटिव आउटकम जिहड़ा है वह निकलदा है। एक बादशाह सी ते वो शिकार खेडदे उहदी उंगल कट्टी गई। वजीर बड़ा परमात्मा के भाव विच रहण वाला सी, कहण लगा महाराज इहदे विच भी कोई चंगा ही होया। ते उह बादशाह कहण लगा भी मेरी उंगल कट्टी गई ते तूं कहना इहदे विच भी कुछ चंगा ही होया। उसने अपने वजीर नूं कारावास विच पाता, जेल विच डक दिता भी ये बंदा चंगा, मेरा शुभ चिंतक है, मेरी उंगल कट्टी गई थी, ये कहिंदा चंगा ही होया। थोड़े दिन बाद कहिंदे ने उह राजा जदों शिकार खेडण गया ते शिकार खेडदियां खेडदियां रस्ता भुल गया ते कैसे बियाबान इलाके में चला गया जिथे बहुत पिछड़ी जाति दे भील जात दे लोग रहिंदे सन। उन्होंने उस बादशाह नूं पकड़ लिया ते उन्हां दी परंपरा सी बलि देण दी बंदे दी, ते उन्होंने तैयारी कर ली भी ये बंदा पकड़िया ते इहदी अज बली दित्ती जाए। पर बली देण दा उन्हां दा अपना एक भी सिद्धांत सी कि बली देण वाला बंदा जिहड़ा वह अपाहज नहीं होना चाहिए, उहदा कोई अंग कटिया नहीं होना चाहिए, उसे भी बली दित्ती जा सकती है। जदों उन्होंने राजे नूं देखिया उन्हां वास्ते तां एक सधारण बंदा सी, उह तां पछाण ही नहीं सी उन्हां नूं ये कौन है, वह तां उहदी बली देण की तैयारी कर रहे सन। पर जदों उन्होंने देखिया भी इहदी एक उंगल कट्टी हुई है,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਚਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। 1534 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 1541 ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 7 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁੱਲ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲ 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਸਗੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਧਰੂ ਸੱਚੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸ ਬਸਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ 1552 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ, ਈਵੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਾਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਸਾਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਾਮਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਮ ਸਨ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ
रिश्ते दे अंदर दमाद लगदे ने, पर मन दे अंदर भाई जेठा ने कदे भी अपने दामाद वाला अभिमान नहीं रखिया। साक न जाता हिरदे रखिया सेव की पाओ, चंचलाई चतरताई ना खेडन हसन का जाओ। प्रीत साहिबां दे चरणां दी रखी, बिन सतगुर होर ना देखन अखी। अपने मन दे अंदर गुरु दा प्यार रखिया है, किसे नूं वडियाई है ते सिखी दे सिर दे उत्ते है। गुरु दे प्यार दी वडियाई है, शब्द की कमाई की वडियाई है। गुरु घर के अंदर किसी नूं जात का कोई नंबर नहीं, किसी नूं वंश का कोई नंबर नहीं, किसी नूं कुल का कोई नंबर नहीं। वंश कुल संसारी तौर दे उत्ते साडी मदद करती है, गुरु के शब्द की कमाई करदे आ साडे मन के अंदर गुरु का सत्कार पैदा करती है। गुरु की बाणी पढ़ सुन के जीवन में कमाउण की प्रेरणा जिहड़ी है उह सानूं जीवन के अंदर प्राप्त हुंदी है। पर महाराज ने, भाई जेठा जी ने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ही अपने आप नूं गुरु अमरदास महाराज जी का सिख सेवक जिहड़ा उह समझिया। सिख सेवक समझ के भाई जेठा जी ने अपने सिर के उत्ते टोकरी चक के, मिट्टी की गार की भरी हुई टोकरी चक के बौली के निर्माण के अंदर सेवा की है, नाल शब्द की कमाई की है, शब्द नूं हिरदे विच वसाया है, आपा भाव त्यागिया है। क्योंकि ज्यों ज्यों शब्द का पल्ला फड़ के सेवा की जाती है, त्यों त्यों अध्यात्मक अवस्था जड़ी उच्ची हुंदी है, हउमै का नाश हुंदा है, मन के अंदर ब्रह्म का प्रकाश हुंदा है, अकाल पुरख वाहिगुरु की अभेदता प्राप्त हुंदी है, विवेक बुद्ध प्रगट हुंदी है, जिहदे नाल निर्माणता हुंदी है। क्योंकि सेवा तो पृथ्वी चंद भी बड़ी करदा सी, पर सेवा करदे आ शब्द की कमाई नहीं सी करदा, उहदा ध्यान आपा जताउण उत्ते सी। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी सेवा करदे आ शब्द का पल्ला फड़ के रखिया। इसे तरीके भाई जेठा जी सेवा करदे ने, भाई रामा जी भी सेवा करदे ने। गुरु अमरदास महाराज जी दीआं दो बच्चियां सन, बीबी दानी ते बीबी भानी। बीबी दानी दा घर वाला सी भाई रामा जी, और बीबी भानी जी दे घर वाले भाई जेठा जी। हुण बाहरी तौर दे उत्ते तां देखो सेवा करदे ने, पर सेवा करदिआं जिहड़ी निर्माणता है, शब्द की कमाई दे नाल मन की जिहड़ी पवित्रता है, मन दे अंदर जिहड़ी उस अकाल पुरख वाहिगुरु की लिवलीनता है, वह भाई जेठा जी नूं प्राप्त है। इसे करके जदों भाई जेठा जी नूं मिलण वास्ते लाहौर तो कुछ साक संबंधी आए, जिन्हां नूं ये मन दे अंदर ख्याल सी कि भाई जेठा हुण साडा गुरु घर दा जवाई बन गया, ते असीं जावांगे ते साडा भी माण सत्कार होएगा, ते भाई जेठे दी भी उच्चे गुरु घर दे अंदर बड़ी माण सत्कार वाली पदवी होएगी, बड़ी वडियाई मिलदी होएगी। जिन्हां लोकां ने लाहौर बात नहीं सी पुछी, जदों हुण पता लग्गिया कि भाई जेठा जी गुरु अमरदास महाराज जी दे दमाद हन, जवाई हन, ते गोइंदवाल साहब जदों आए ते जदों देखिया कि भाई जेठा जी तां सिर दे उत्ते टोकरी चक के मिट्टी दी ओह सेवा विच कर लगे होए हन, कपड़े भी लिबड़े होए हन, ते आके सब तो पहला भाई जेठा जी नूं इह उलांबा मारिया भी जे तूं मजदूरी करनी सी, जे तूं लेबर करनी सी, ते फिर सहुरे घर ही करनी सी, जे मिट्टी की टोकरी चुकनी सी तो लाहौर चक लेंदा। देखो, क्योंकि दुनियावी बंदे नूं जिहड़ी ऐनक लगी है ना, जिहड़ी उहदी दृष्टि है वह सिर्फ संसारी है, वह समझ नहीं सकता किसी बंदे की भावना नूं। असीं भी कई बार मन करके किसी बंदे दे प्रति अपना जो नजरिया बना लैंदे, वह साडी अपनी सोच हुंदी है। पर जिहड़ा बंदा सेवा कर रहा, जिहड़ा बंदा बंदगी कर रहा, उसकी की भावना है, कई बार असीं उस नूं समझ नहीं पाते। आके गुरु अमरदास महाराज नूं उलांबा भी दिता, ते भाई जेठा जी धन गुरु अमरदास महाराज जी दे अगे हाथ जोड़ के अखां विचों जल वह रहा, कहण लगे सच्चे पातशाह ये ना समझ बंदे ने, ये नहीं जानते कि ये की कह रहे ने, इन्हां वल्लों मैं आप जी तो खिमा मंगदा, जिहड़े बचन ये बोल रहे ने ये आप जी दे सत्कार विच नहीं हन। ते गुरु अमरदास महाराज प्रेम भरी दृष्टि दे नाल भाई जेठे की अध्यात्मक अवस्था नूं देख के बख्शिशां कर रहे ने, कृपा कर रहे ने, क्योंकि भाई जेठे का हिरदा इन्ना निर्माण हो चुका है, इन्ना पवित्र हो चुका है भाई जेठा जी का हिरदा, कि भाई जेठा जी के मन के अंदर कदी भी अपने आप विच किसे तरीके का भी अभिमान नहीं आया। जिवें महाराज ने आखिया, आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान, जिहड़ी सेवा है वह तो आपा भाव गवा के होंदी है,
जिस सेवा नूं करदे आ मन दे अंदर आपा भावे रवे अपनी चतराई अपनी सियाणप अपनी बुद्धि उत्ते भी बंदा जुड़िया रहे फिर वह सेवा जिहड़ी है मालक दे घर प्रवान नहीं हुंदी। भाई रामा जी भी सेवा करते ने, भाई जेठा जी भी सेवा करते ने। धन गुरु अमरदास सचे पातशाह जी ने अज परचा पा दिता क्योंकि जे वडियाई देनी है जे बख्शिश करनी है तो फिर उहदे विच सब कुछ जिहड़ा उह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। किसी बंदे दे मन दे अंदर भुलेखा नहीं रहना चाहिए भी फलाने बंदे नाल शायद कितने कोई नजायज हो गई भी वह भी बंदा इस गुरियाई दे काबल सी। इस करके गुरु साहब ने जदों भी गुरता गद्दी की दात बख्शिश की है पूर्ण तौर के उत्ते महाराज ने परखिया है, उसका एग्जाम लिया है। क्योंकि जिनी देर तक परख ना की जाए उन्नी देर तक पता ही कुछ नहीं लग सकता, स्पष्टता नहीं हो सकती। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भाई रामा जी जेड़े सेवा करते ने, भाई जेठा जी जेड़ा सेवा करता ने, दोवां नूं एक परचा पा दिता भाई संगत दे अंदर बैठन वास्ते छड़ा बनाया जाए। ते दोवां नूं कहा भी तुसीं सवेरे छड़ा बनाना शुरू करो, शाम नूं देखिया जाएगा। ते गुरु अमरदास महाराज जदों पहले दिन आए ते देखिया भी भाई रामे ने जिहड़ा छड़ा बनाया, कहण लगे भाई रामे आ इह छड़ा ठीक नहीं बनाया, इहनूं ढा दे। भाई रामे दा मन तां नहीं सी करदा पर फिर भी उहने ढा दिता। ते भाई जेठे नूं भी जदों महाराज ने आखिया भाई जेठिया तेरा ये छड़ा ठीक नहीं बनिया इहनूं ढा दे, ते भाई जेठे ने एक सकिंट लाया वह छड़ा ढा दिता। दूजा दिन फिर होया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आए ते भाई रामे नूं कहण लगे भाई रामे आ ये छड़ा ठीक नहीं बनिया, ये तो नीकी नहीं बनाई बैसन हेत ना हम को भाई भी चंगा नहीं बनिया। भाई रामा कहण लगा महाराज तुसीं जिद्दां कहा सी मैं उदां बनाया, पर महाराज कहण लगे नहीं ढा दे, फिर भी मजबूरी बस ढा दिता। पर भाई जेठे नूं जदों कहा ते भाई जेठे ने फिर एक सकिंट लाया। अगले दिन फिर जदों गुरु अमरदास महाराज ने आखिया भाई रामे आ छड़ा ठीक नहीं बनिया, ते भाई रामा कहण लगा महाराज असल गल ये है कि तुहानू अपना किया याद नहीं रहिंदा, इहदे तो चंगा किया बनाएगा, जिम तुम कही तिवें बनाई इससे अच्छी क्या बन जाई, भी जिद्दां तुसीं किया सी मैं उदां ही तां बना दित्ता ते इस तों वधिया की बनावांगा। पर फिर भी गुरु अमरदास महाराज ने ढा दिता, भाई जेठे ने फिर एक सकिंट च ढा दिता। जदों अगला दिन होया ते जदों फिर गुरु अमरदास महाराज ने आखिया भाई रामे आ इह छड़ा ठीक नहीं बनिया, ते हुण कहण लगा महाराज इस नूं ना ढाया जे, इस तों वधिया मैं नहीं जे बना सकदा क्योंकि असल दे अंदर तुहाडी वडेरी उमर है, तुसीं आप ही भुल जाने हो। देखो आ अवस्था जिहड़ी है ना इह परम पदवी की अवस्था नहीं है, इह विवेक बुद्ध की अवस्था नहीं है, इहदे अंदर आपे दा सेवा करदिआं बीज अजे गया नहीं है। हथ खड़े कर दिते भाई रामा जी ने, ते जदों भाई जेठा जी नूं कहा ते भाई जेठा जी अखां विचों अथरू वहा के हथ जोड़ के धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरणी मच्छा टेक के कहिंदे सतगुरु जी मैं किड्डा वड्डा भुलणहार हाँ, तुसीं किड्डे बख्शिंद हो, तुसीं रोज समझाने हो पर मैं अग्ञानी ना समझ समझ नहीं सकता, किरपा करो मेरे उत्ते अपनी बख्शिश परे हाथ रखो, बहुर बतावो किरपा निदान, दोबारा मैनू दसो हौ मूरख नै समझियो अजान, मैं ना समझ सी मूरख सी मैं समझ नहीं सकिया। भाई रामा कहण लगा जी तुसी नहीं समझदे, भाई जेठा कहण लगे जी मैं अग्ञानी हाँ ना समझ हाँ, किरपा करो मैं दोबारा बना। देखो गल छड़े दी नहीं है, गल मन दे अंदर जिथे गुरु ने विराजमान होना गल तो वह है, ये छड़े गुरु अमरदास महाराज बाहर नहीं असल दे अंदर ये परख कर रहे भी किस दे हिरदे दे अंदर छड़े उत्ते सतगुरु ने अपनी जोत टिकाउणी है। जिवें भाई लहणे नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जिन्नी बार परखिया इस करके कि भाई लहणे दे अंदर वह अवस्था बन जाए, इसे तरीके भाई जेठे ने अपने मन दे अंदर गुरियाई प्राप्त करन वास्ते गुरु महाराज दे आसन वास्ते एक प्रेम दा छड़ा बना लिया, भावना का छड़ा बना लिया जिस दे उत्ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तुरुठे बख्शिश कीती मेहर कीती। और भाई जेठा जी नूं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने 1574 दे अंदर जदों गुरु अमरदास महाराज ज्योति जोत समाए, गुरु अमरदास की अकथ कथा है
एक जी किश कही न जाई, सोटी सृष्ट सगल तारन कौ, अब गुरु रामदास कौ मिली वडाई। 1574 दे अंदर 22 साल दी सेवा तो बाद गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बख्शिश हुई। वह भाई जेठा जिहड़ा किसी वेले लाहौर दीआं गलियां विच्चों अनाथ हो करके दुनियावी तौर दे उत्ते मां बाप दे चढ़ाई कर जाण तो बाद निकलिया सी, उस भाई जेठे दे उत्ते अज गुरु अमरदास महाराज ने ऐसी बख्शिश की, ऐसी कृपा की। करते पुरख मालक की कुदरत बड़ी विस्मादी है। उस परमात्मा की रजा विच कदों की होना है, ये बंदा नहीं समझ सकता। इसे करके सतगुरु महाराज की बाणी विच ये बचन लिखे, तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें संवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया। परमात्मा ने आप भाई जेठा जी नूं अपने मन दे अंदर वसा के भाई जेठा जी नूं इस मुकाम तक पहुंचाया। और गुरु अमरदास महाराज ने जदों गुरता गद्दी दी दात बख्शिश कीती, गुरियाई दा छत्तर झुलिया, उस वेले भाई जेठे दीआं अखां विच्चों जल वह रहा सी। मन गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रति शुकराने नाल भरिया होया सी। जिहड़े बचन असीं सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे सरबन करदे हां, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। ऐसी महान बख्शिश गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई जेठे दे उत्ते करके दीन दुनी दा गुरियाई दा छत्तर चलाया। 1574 तो लैके फिर 1581 तक ये 7 साल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने फिर गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान हो करके जिवें सिख संगतां नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम दी दात दित्ती, श्री अमृतसर दी पवित्र धरती जिसनूं सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आप साजिया, अमृत सरोवर का निर्माण कराया। ये पावन अस्थान गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश का घर है, जिथे गुरु रामदास महाराज जी दी बख्शिशा वरतदियां ने। लखां दी गिनती विच सिख संगतां इस पावन अस्थान के उत्ते हाजरी भर के सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों के अंदर अपना प्यार अपनी अकीदत भेटा करदियां ने। जिथे गुरु रामदास महाराज जी की कृपा के नाल 24 घंटे सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी की वरखा होंदी है, अध्यात्मिक रस की वरखा होंदी है। लखां प्राणी आकर के इस पावन अस्थान तो प्रशादा लंगर पानी छकते हैं। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश कृपा का पात्र ये पावन अस्थान तो 1574 तो लैके 1581 तक। फिर एक बार आप गुरु रामदास महाराज जी के जीवन इतिहास उत्ते एक झाती मार लईए। 1534 तो 1541 चूना मंडी लाहौर, 1541 तो 1552 पिंड बासर के जिला अमृतसर, 1552 तो 1574 गोइंदवाल साहब की पवित्र धरती, पर 1574 तो 1581 तक धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने गुरसिखां दीआं झोलियां बेअंत दातां नाल भरियां हन। आप सभनां नूं सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के गुरता गद्दी गुरपुरब दीआं बहुत बहुत वधाईआं जी। सतगुरु जी कृपा करन, गुरसिखी जीवन नाम बाणी दीआं दातां बख्शन। विचारां करदिआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।